नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज हम टॉपिक लेने वाले हैं किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन की सेल्स को इंक्रीज करेंगे, किस प्रकार से आप अपने क्लाउड किचन के लिए मार्केटिंग करेंगे ताकि कस्टमर आपसे ऑर्डर करे और फिर से दोबारा ऑर्डर करें। यहाँ पे मैं क्लाउड किचन को दो कैटेगरीज में बांटना चाहूँगा। वो क्लाउड किचन जो अभी स्टार्टअप होने वाले हैं, हो रहे हैं, या आपके दिमाग में अभी सिर्फ प्लानिंग है उसे स्टार्ट करने की। दूसरे वो क्लाउड किचन जो कि काफ़ी समय से हैं, लगभग उनको 6-7 महीने हो गए हैं, 1 साल पूरा होने वाला है या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यही दो चीज़ें समझनी कि आप किस स्टेज पे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मार्केटिंग बजट की। आप लोगों को भी हमेशा बताया जाता है कि आपको अपने मार्केटिंग के लिए एक बजट रखना है, क्योंकि मार्केटिंग का बजट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर आपको ये दोनों स्टेजों में मैं इसलिए ही बताई है ताकि आप डिफरेंस कर पाओ कि किस समय पर आपको कितना पैसा खर्च करना है। ये ना हो कि आप इनिशियल स्टेज पे इतना पैसा खर्च कर लें कि आपके पास बाद में कुछ पैसा ही ना बचे। सबसे पहले जब हम लोग क्लाउड किचन की बात करते हैं तो हमारी, अगर हम लोग बोले, हमारी रीच विद इन 3-4 या 5 किलोमीटर होती है, जहाँ पे भी स्विगी जोमेटो हमारी डिलीवरी देते हैं या जहाँ पे हम लोग खुद जाके डिलीवर कर सकते हैं। तो हमें इनिशियल स्टेज पे सिर्फ उसी एरिया में, उतनी ही लोकेलिटी में हमें अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत है। उससे आगे जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि उससे ज़्यादा रीच पहुँचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना वहाँ पे फूड डिलीवर ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे कस्टमर को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है जो कि आपके पास पहुंच ही नहीं सकते और आप अपना खाना उनके पास पहुंचा ही नहीं सकते। पर वहीं जब आप ऐसे स्टेज में आ जाते हो, आपको लगभग 1 साल हो जाता है और आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अपने बिजनेस को आगे ले जाना है, तो उस समय आप ये सारी टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हो। मैं लगभग यहाँ पे 8-9 टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनका कि आप यूज़ कर सकते हो। पर उससे पहले मैं आपको 3 मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो स्टार्टअप कर रहे हैं आप लोग, तो आपको समझ आएगा कि आपको किस प्रकार से अपनी मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले, आप जिस भी एरिया में हैं, आपको आपके आसपास जो भी विदिन 3-4-5 किलोमीटर है, जहाँ तक आप अपना खाना दे सकते हो, उनकी प्रोफाइलिंग करनी है। प्रोफाइलिंग से मतलब है कि आपको जानना है कि वो किस प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पे। रहने का मतलब है कि वो पंजाबी हैं, गुजराती हैं, वो लोग आपका हेल्थी फूड खाना पसंद करते हैं, उनका क्लास क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। आपका बिजनेस वाले लोग रहते हैं वहाँ पे, स्टूडेंट्स लोग रहते हैं, ओल्ड एज होम है वहाँ पे, बहुत सारे है जो कि आप जिनको कि जाके आगे सर्व करेंगे। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों को पता लगाना होता है कि उनकी क्या क्या चॉइसेस हैं, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनकी एवरेज इनकम क्या है। जी हाँ, उनको आपको ये भी पता लगाना होगा उनकी एवरेज इनकम क्या है। उसके बाद उनके जो लाइफस्टाइल है, वो लोग कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, वो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, वो लोग चाट पापड़ी पसंद करते हैं, या फिर वो पैसा ही नहीं खर्च करना चाहते अपनी अपनी बाहर की चीज़ों पर। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे लास्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बोलूंगा, कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि वहाँ पे लोग कितने टेक फ्रेंडली है, लोग कितना यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी को खाना ऑर्डर करने के लिए। हो सकता है कि आप ऐसी जगह सर्व कर रहे हो स्विगी जोमेटो के थ्रू या अपनी ऐप के थ्रू, जहाँ लोगों को मालूम ही नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोग इंडिया में ही हैं। और ऐसी कई जगह है जहाँ पे लोग अभी भी स्विगी जोमेटो का उपयोग नहीं करते हैं, पर वो फ़ोन के द्वारा या किसी और माध्यम से आपको खाना ज़रूर ऑर्डर करते हैं। तो आपको ये सारी जो तीनों मेन चीज़ें होंगी वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिहाफ पे आप अपना आगे मार्केटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग का मैं बता दूँ, मेरे एक क्लाइंट तो नहीं है वो, मेरे इनरोल्ड मेंबर भी नहीं है, पर वो एक डिजिटल मार्केटर हैं, लेडी हैं, वो दिल्ली से ही हैं। वो खुद का उनका एक सैलेड का कॉन्सेप्ट है जो कि वो चलाती हैं, पर वो अपने ही प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, अपने ही प्रोडक्ट को। उन्होंने सारी टेक्निक्स अपना ली, डिजिटल मार्केटर सारी टेक्निक्स अपना ली, पर वो भी अभी अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर भी है, तो ये नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें मालूम है खाना कैसे सेल करना है। सेल सिर्फ वही कर सकता है जो कस्टमर की नीड को समझ सकता है। अगर मैं आपकी नीड पूरी कर पा रहा हूँ, मैं आपको जो चाहिए वो दे पा रहा हूँ, तो मैं ही आपको कस्टमर बना सकता हूँ। आप मेरे ही पास आएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो सेम आप लोगों को यही बात ध्यान रखनी है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जो भी आपके डिलीवरी ऐप्स हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो,
या आजकल मैजिक पिन भी आप लोग आ गए हैं, आप लोग मैजिक पिन भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उन्होंने भी अपनी फूड डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। आप यहाँ पे पैसे पे करके इन लोगों को अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, जिसके की द्वारा आपके जो रेस्टोरेंट है वो ऊपर दिखने लग जाता है और कस्टमर आपके पास जाके ऑर्डर करता है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये इसके लिए पैसे पे करते हैं, एक्सपेंसिव भी नहीं, आप कम बजट में भी कर सकते हो, बेसिक आपके 2-3-4 हज़ार रुपये जितना भी आप चाहो, पर आप देखेंगे इनिशियल स्टेज पर ये भी कोई काम इतने काम नहीं आता है। दूसरा, आप ऑनलाइन रन ऐड रन करा सकते हो। आप गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बना के गूगल आपको 2,000 रुपये देता है क्रेडिट के तौर पे जब आप शुरू करते हो, आप भी उसमें 2,000 रुपये डाल के अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो अपने एरिया में, जिस भी एरिया में आप रहते हो, या फिर आप यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम के पे रन ऐड कर सकते हो, आप फेसबुक पे रन ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, जो कि पेड सर्विस हम लोग कहेंगे। फेसबुक वगैरह पे मैं इतना तब भी प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि फेसबुक से इतना कोई नहीं आता है, पर अगर जैसे गूगल माई बिजनेस बोले तब भी वो एक तरीके से ठीक है। इसके बाद जो हमारे ऑर्गेनिक तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके का मतलब है कि हमारी खुद की वेबसाइट होगी, या हमारा खुद का ऐप हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, एसएमएस हो गया, या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम्स हो गया, ये सारी चीज़ें करके हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका खुद का ऐप है तो कस्टमर आपके पास आएगा, अगर आपके पास डाटा इकट्ठा होने लगा है तो आप बार बार मार्केटिंग करके व्हाट्सअप भेज के मैसेज भेज के उन लोगों के बारे में जान सकते हैं और उन लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं आपसे बार बार खाना ऑर्डर करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आप जो कि आपके एरिया में जो भी इवेंट हो रहे हैं, सोशल इवेंट्स हो रहे हैं, अभी राखी का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद हमारे 15 अगस्त आएगा, फिर कुछ और त्यौहार आएगा, हमारी दीपावली आएगी, दशहरा आएगा, तो ऐसे इवेंट जो भी आपकी सोसाइटी में हो रहे हैं आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में आपकी सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी और आपका नाम थोड़ा यहां से ज्यादा आगे जाएगा और कस्टमर आपके पास से ऑर्डर जरूर करेंगे। इसके बाद आप लोग अपने सोशल मीडिया के जो प्रेजेंस है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ये भी आप लोग खुद ही कर सकते हैं, अपने फेसबुक का पेज बना लीजिए, अपने इंस्टाग्राम का पेज बना लीजिए, पिंटरेस्ट पे आप जा सकते हैं, अपनी छोटी छोटी वीडियोस आप डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इवन कोई भी अगर आप अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या जो भी आपके आउटलेट में काम करता है उनको बोल के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको कुछ यूनिक सर्व करना होगा। जी हाँ, अगर आप कुछ यूनिक सर्व कर रहे हैं तो कस्टमर भी आपके पास आएंगे और जो यूनिकनेस है वो ही आपको लोगों को बतानी है, पर आपको यूनिकनेस में ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ ही ना बेचने लग जाएं जो कि कोई खाना ही नहीं चाहता। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरी जो एक आप जिन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था फ़ोन पे, वो सैलड्स बेच रही हैं, उनके सैलड्स इतने एक्सपेंसिव है कि कोई खरीद ही नहीं रहा है, जबकि वो खुद ही एक डिजिटल मार्केटर हैं, उनको सब कुछ मालूम है, पर वो अपने सैलड्स के लिए अपने कस्टमर ही नहीं ढूंढ पा रही है। तो आपको ऐसा भी कुछ यूनिक नहीं सेल करने लग जाना है जो कि कोई खरीदे नहीं, या फिर हो सकता है कि आप उस तरीके के कस्टमर तक रीच ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग जो सेकंड लास्ट है वो है हमारा, आपको कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जी हाँ, अगर आप अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो इनिशियल स्टेज पे, तो कस्टमर आपसे टूटता 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 चले जाता है, फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। तो सबसे पहले यह है कि अगर आप अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं, अपना फूड दे रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है उसे मेंटेन रखिए, ताकि कस्टमर आपके पास बार बार ऑर्डर रिपीट करे। इसके बाद सबसे लास्ट है हमारा पैकेजिंग और लोगो। पैकेजिंग, आप इनिशियल स्टेज पे आप कोई भी महंगी पैकेजिंग के लिए मत जाइए, नॉर्मल जो चीज़ें चल रही है 15-20 रुपए में आपके बॉक्सेज आ जाते हैं, उससे भी सस्ते बॉक्सेज आ जाते हैं, आपके नॉर्मल लेबल्स बन जाते हैं, लेबल्स में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वो प्लास्टिक और कागज़ पे चिपके, 25-30 पैसे में एक आपके ब्रांड का स्टिकर बन जाता है, आप वो बना सकते हैं और ईजिली उसे यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, स्पेशल डब्बे छपवाना, बोतलें छपवाना इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें आउटडेटेड तो नहीं होती हैं, पर आप देखेंगे कि चीज़ें इतनी जल्दी बदलती हैं कि आप बोलते हैं कि अभी आप कुछ और सर्व कर दें, कल को कुछ आप कुछ और सर्वे करने लगे तो आपकी जो पुरानी पैकेजिंग मटेरियल तो सारा बर्बाद जाता है। इसके बाद लोगों की बात करेंगे, लोगों आप एक अच्छा डिज़ाइन करवा सकते हैं, अगर आप किसी कंप्यूटर वाले के पास भी जाके बोलते तो वही आप लोगों के लिए 1,000 रुपये में कर देता है, इवन अगर नेट पे जाके आपको छानेंगे तो आपको इतने सारे आपको 1,500 रुपये में लोग इवन आपका रजिस्ट्रेशन तक करवा के दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे इतना नहीं भागना है जो कि आपको सिखाया जाता है, और इन सब चीज़ों के पीछे आपका इतना पैसा खर्च करवा दिया जाता है कि जो कि मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दिनों में अपने जो भी 4-5 किलोमीटर है आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए,
लीजिए जब आपको लगता है कि आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने लगे हैं, आपका ब्रांड अपने आप ही बिल्ड होने लग जाएगा। आप देखेंगे स्विगी जोमेटो को आज से पहले देखे, अगर स्विगी का कलर ऑरेंज की जगह ब्लैक भी होता आप तब भी खाना ऑर्डर कर रहे होते, क्योंकि स्विगी स्विगी बन चुका है। जोमेटो का जो जोमेटो पोटैटो जैसा सेम लग रहा है, लोग जान चुके हैं। अगर वही कुछ और लोग टोमेटो भी रख लेते अपने ब्रांड का नाम, तो हम अभी लोग टोमेटो ही बोल रहे होते। तो जब आपकी जड़ें मजबूत होने लग जाती हैं तो आपके फल अच्छे लगने लग जाते हैं, जैसे कि मैंने आप मेरे थंबनेल में देखेंगे। तो यही इस वीडियो का मंत्र था कि आपको शुरुआती समय में सिर्फ अपने एरिया में डिपेंड रहना है, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको किस प्रकार से अपने रेस्टोरेंट की मार्केटिंग, अपने क्लब की मार्केटिंग करनी है वो पता चला होगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।